दोस्तों और भी ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ उसके बाद में इस घंटे को दबा दीजिए ताकि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हर एक वीडियो आपको आगे ऐसे ही मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, टेक विषय में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट कौरव। दोस्तों आज के इस अनबॉक्सिंग सेशन के अंदर हमारे पास है एक छोटू सा कॉलर माइक जिसे मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था 4-5 दिन पहले, और आज जो है मुझे वो रिसीव हो चुका है। तो ये रहा वो पैकेज जो कि अमेजोन से आया है, इसे हम फटाफट से जो है इसमें से निकाल लेते हैं। ये रहा एक पाउच, और इस पाउच के अंदर जो है आपका माइक जो है रहता है, ठीक है। तो ये पाउच जो है आपको मिला है एक्स्ट्रा। इस पाउच की जो क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो ठीक ठाक है, अगर 400 रुपये के अंडर में बात करूँ तो उसमें तो आपको यही मिल सकता है। और यहाँ पे आपको एक और पॉलीथीन का जो है पाउच मिल जाता है आपके माइक के लिए, और उसके अंदर है आपका माइक। तो पाउच की क्वालिटी की अगर मैं फिर से बात करूँ तो ओवरऑल ठीक ठाक है। ओके, तो यहाँ पे हम फटाफट से जो है अपना माइक जो है वो निकाल लेते हैं। ओके, सो ये रहा हमारा माइक। और वेल, यहाँ पे मैं आपको इसकी खासियत बता दूं कि इसकी जो क्लिप है, यानी कि जो क्लिप है इसकी माइक के साथ, वो मेटल की बनी हुई है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। बट इसका जो वायर है वो थोड़ा छोटा है, यानी कि 1 मीटर अराउंड ही है, तो वो मुझे थोड़ा सा जो है बेकार लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक फॉर्म मिल जाता है माइक के ऊपर, जो कि नॉर्मली सब माइक के साथ जो है आता है, सारे कॉलर माइक्स के साथ आता है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे इसकी जो क्लिप है वो मेटालिक है, तो आसानी से जो टूटने वाली ये नहीं है, तो इसे जो है आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। वायर की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। ओके, तो आपको ये फॉर्म मिल जाता है, और ओके, तो यहाँ पे आपको एक जैक भी मिल जाता है जो कि आप अपने मोबाइल के अंदर अटैच कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। बट रेडमी के फ़ोन्स के अंदर कुछ दिक्कत हो रही है, यानी कि आप रेडमी के फ़ोन्स के अंदर इसे यूज़ करते हैं, रेडमी के फ़ोन्स, तो आप कि अगर आप जब कैमरा ओपन करते हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर जो माइक है वो ये वाला माइक नहीं डिटेक्ट करता है, आपके जो फ़ोन का जो बाय डिफॉल्ट माइक है वही डिटेक्ट करता है। रेडमी के फ़ोन्स के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वायर की लेंथ कितनी है, तो इतनी ही है वायर की लेंथ, तो आप देख सकते हैं और अपना जो है डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरे माइक की बात करूँ जो कि मैंने eBay.in से मंगाया था करीबन 5-6 महीने पहले, और ये जो था ख़राब माइक निकला था, तो मुझे काफ़ी जो है बेकार लगा था, क्योंकि मैंने अराउंड इसे 200 रुपये के अंदर ऑर्डर किया था ईबे से। बट जो है ये वर्क ही नहीं करा, कभी भी ये वर्क नहीं करा, और मुझे काफ़ी बुरा लगा था। उसके बाद में जो है मुझे लगा था कि यार मैं ऐसे माइक्स मंगा के कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं मिल सकता। तो इसकी क्लिप भी काफ़ी बेकार थी, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसकी वायर की लेंथ भी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, बट ये माइक काम ही नहीं करा, तो मैं किसी डिसीजन पर पहुँच ही नहीं पाया गाइस। दोस्तों आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको मैंने जो माइक लिया है, ये वाला नहीं, वो जो पड़ा वाला माइक जो है, जो पड़ा हुआ है ये वाला, इसकी जो है मैं टेस्टिंग बताऊंगा आपको, और मैं अपने फ़ोन के माइक की टेस्टिंग भी बताऊंगा आपको, पता चल जाएगा कि ये माइक बेहतर है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। वेल दोस्तों, अब जो भाई आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इसी माइक के थ्रू है जो कि मैंने अभी परचेस किया है, और वेल आवाज़ आपको पता चल ही रही होगी कि कितनी जो है नॉइज़ ये कैप्चर कर रहा है, यानी कि आसपास की मेरी जितनी भी, मतलब मैं एक ऐसे रूम में हूँ जहाँ पर बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं है, माना कि हल्की पुल्की नॉइज़ अगर मैं चल रहा हूँ यहाँ पे तो उसकी नॉइज़ ही कैप्चर कर सक रहा हो, बट काफ़ी जो है नॉइज़ कैप्चर कर रहा है। आई डोंट नो कि पीछे बैकग्राउंड में साउंड क्या आ रहा है, इससे बेहतर तो मेरे फ़ोन का जो है वो माइक है। वेल गाइस, मैंने अपने रूम का जो है पंखा ऑन कर दिया है, और अब आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितनी नॉइज़ जो है ये माइक कैप्चर कर रहा है। वेल कहना तो मतलब गलत होगा, बट आप सुन ही सकते हैं कि कितनी नॉइज़ जो है कैप्चर कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ऐसे डैम के वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पर पानी काफ़ी ज़ोरों से गिर रहा है। वेल गाइज, अब जो आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं वो मैंने ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर के अंदर एडिट करके जो है आपको सुना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितना जो है फ़र्क पड़ रहा है। वेल अगर मैं किसी साइलेंट रूम के अंदर भी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो उसमें नॉइज़ रहती है कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी, यानी कि आपको टोटल मिला के इस माइक के थ्रू जो भी आप रिकॉर्ड करते हैं उसे आप एडिट करना ही पड़ेगा, तभी जो है आपको जो है रिजल्ट थोड़ा बहुत अच्छा मिल पाएगा। तो दोस्तों अभी जो आपको आवाज़ आ रही है वो मेरे फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, यानी कि मेरे पास जो फ़ोन है Redmi 3S Prime उसके थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। आपको अंदाजा लग पा रहा होगा कि कैसी जो है आवाज़ आ रही है और पीछे कितना नॉइज़ है या फिर नहीं है, ठीक है। पंखा भी मेरा रूम का जो है वो बंद है, आगे मैं आपको पंखा चालू करके जो है टेस्टिंग जो है इस मेरे फ़ोन के माइक की टेस्टिंग जो है बता दूंगा गाइस।
तो दोस्तों अब मैंने अपने रूम का जो है पंखा ऑन कर दिया है और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो मेरे फ़ोन के माइक से हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पीछे जो है कितना नॉइज़ जो है ये माइक कैप्चर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। वेल दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अनबॉक्सिंग वाले वीडियोज़ जो है आगे भी मिलते रहें। गाइज, मैं आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड स्टे सेफ।